इमरान खान के बयान मुझे वालिद ए मुझे खानदान लाए खतरा वधाए छड़ा जैसे मुँह मथा मुझे वालिद या पार्टी से हमलो थो तो उनको हिसाब वरतो वो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो इमरान खान के इल्जाम से सख्त रद्द अमल। बिलावल भुट्टो चयो तो इमरान खान की तोहिन जोगन ए खतरनाक इल्जाम के कानूनी पासन का ऐसी रो आया। पीपल्स पार्टी इल्जाम के चैलेंज कंदी। ट्वीट कंदे बिलावल भुट्टो चयो तो इमरान खान मुझे वालिद के बंदूक के निशाने से रखने की धमकी भी दिनी हुई। इमरान ए संदस हामिन पारा दहशतगर्दन की सहूलतकारी ए हमदर्दी बाबत दस्तावेज तारीख जो हिस्सो आन। इमरान पंजी हुकूमत दौरान दहशतगर्दन के आजाद ए जमहूरियत पसंदन के गिरफ्तार करायो। अज ताई संदस पार्टी दहशतगर्दन की फंडिंग करे पई। इमरान खान के समझन घुर्जे त हर भेरे घरवाली की ख्वाबन से कैमत इल्जाम नथो मड़े सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए आसिफ जरदारी मथा इमरान खान के इल्जाम के बेबुनियाद ए खतरनाक करार दे छो। वजीर आजम आसिफ जरदारी खिलाफ इमरान खान जा किरियल इल्जाम पान के सियासी तौर जिंदा रखने की नाकाम कोशिश आन। मुखालिफन खिलाफ साजिश इल्जाम ए जहर उगा छण इमरान खान की पुरानी आदत है। कौम भी पीटीआई चेयरमैन की नफरत से बदल सियासत का वाकिफ है। इंशाल्लाह कुछ वक्त लगेगा लेकिन इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। देने वाले आज सुन लो, अभी चंद दिन पहले तक अभी अपनी हुकूमत भी खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। रोने की तैयारी कर लो, अब बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा इंशाल्लाह। चंद दिन पहले तक पंजाब में हुकूमत भी इसी की थी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी इसी की थी, बलोचिस्तान में हुकूमत भी इसी की थी, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी हुकूमत इसी की है, आजाद कश्मीर में आज भी हुकूमत इसी की, और इल्जाम मुस्लिम लीग नून को देता है, लोग बेवकूफ नहीं है। पंजाब में आने वाले इलेक्शन को याद रखना, इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। पंजाब ए केपी में पांजू हुकूमतू खत्म कंदड़ हाने रोई रो है। इमरान खान तैयारी करे वठे खेस सजी जमार रोणो ही पवंदो। पंजाब में इंदड़ हुकूमत नून लीग जी हुंदी, नवाज शरीफ जल्द अवाम जी विच में हुंदो। नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज लाहौर पहुंचने बाद कारकुनन के खिताब। मरियम नवाज चयो त जैंके महंगाई की खबर टीवी ते पवंदी हुई वो हुकूमत ते तनकीद पियो करे। अठ महीने जो हिसाब बाद में थींदो, अग में इमरान खान चयन सालन जो त हिसाब दे। सरकारी ऑफिस की खोट खत्म करने लाइ सिंध हुकूमत जो 9,40,00,00,000 रुपये की लागत से शुरू कल मनसूबो रोलर जो शिकार। सिंध सेक्रेटरियट कॉम्प्लेक्स 7-8 के तामीर वाले मनसूबो 11 साल गुजरने बावजूद मुकम्मल न थो। 9,40,00,00,000 रुपये की लागत से 2012 का शुरू कल मनसूबो मुकम्मल त न थो, पर 11 साल में 11 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स तब्दील जरूर थे। मनसूबे में करप्शन के इल्जाम हेठ आयल कामरन खिलाफ FIR दाखिल करे खेन गिरफ्तार करने की मंजूरी भी दिनी वही, पर थो कुछ भी न। एंटी करप्शन खाते की भी मुजरमानी खामोशी। वर्क्स एंड सर्विसेस खाते जनरल एडमिनिस्ट्रेशन खाते के कामोरन की अदम दिलचस्पी नाअहली माली बेकायदगी सबब हुकूमत के सालियानो करोड़े रुपये जो नुकसान। सरकारी ऑफिस की खोट सबब मुख्तलिफ खात पोष इलाक की खानगी इमारत में गरीब मसवाड़ से ऑफिसू वी छद हर साल करोड़ों रुपये की अदायगी। अदम दिलचस्पी नाअहली करप्शन। सिंध में सरकारी ऑफिस की खोट खत्म करने लाय 9,40,00,000,000 रुपये की लागत से शुरू कल मनसूबो रोलड़े जो शिकार। 11 साल गुजरण बावजूद मनसूबे से 15% कम भी न थो। सिंध सेक्रेटरियट कॉम्प्लेक्स 7-8 के तामीर वो कम गुजरल 6 साल का बंद पयल। KTN न्यूज के प्रोग्राम द मिरर समूरू हकीकतू सामू आने छ्यू। 1,51,00,00,000 रुपया जारी थे बावजूद रुगो 1 इमारत ठही।
उहा भी अधूरी मंसूबे में करप्शन के इल्ज़ाम हेठ आयल कामोरन ठेकेदार खिलाफ FIR दाखिल करे खेन गिरफ्तार करने की मंजूरी दिनी वही पर थो कुछ भी न वर्क्स एंड सर्विस खाते जनरल एडमिनिस्ट्रेशन खाते की कामोरन की ना आयली सबब सिंध सरकार ऑफिस की मसवाड़ की मद में हर महीने करोड़े रुपया अदा करण लगी एंटी करप्शन खातो भी खामोश तमाशा ही बनल। इलेक्शन कमीशन के धमकियों दियण वाले केस में PTI के गिरफ्तार अगवान फवाद चौधरी जो वधीक बिन दियण जो जिस्मानी रिमांड मंजूर करे वरतो। अदालत पुलिस की दरख्वास्त फवाद चौधरी जो वधीक बिन दियण जी जिस्मानी रिमांड मंजूर कयो। अदालत हुकुम दिनो तो फवाद चौधरी के सूमर दिहाड़े बीहर पेश कयो वञे। PTI चेयरमैन इमरान खान फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खत लिखी छो। फवाद चौधरी की आइनी हकन की तहफुजी अपील खत में आजम सवाती और शहबाज गिल से मुबैना तशद्दुद गैर इंसानी वर्ताव जो भी हवालो दिनों वो। खत में वो है हिरासत हेठ शख्स से तशद्दुद आइन की भंजकड़ी है। पीपल्स पार्टी आज हम इंशाल्लाह उनकी लीगल टीम इमरान खान को हम लीगल नोटिस इशू कर रहे हैं। हम उस लीगल नोटिस में उसे ये डिमांड कर रहे हैं कि वो अपनी इस स्टेटमेंट को विड्रॉ करे और अगर वो विड्रॉ नहीं करता तो पीपल्स पार्टी ये हक रखती है उसके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो फोरम्स हैं जो अदालत है उस पर वो लेके जाएगी। तो जो शख्स खुद मिलिटेंट्स का सरपरस्त हो उसका ये कहना कि मिलिटेंट्स को हायर करके मुझे खत्म करने की साजिश की गई है ये बजात खुद बताता है कि शख्स का मेंटल लेवल क्या है। इल्जाम लगाया है हमारी क्यादत के ऊपर हमारे जो सेकेंड ईयर हम बैठे हैं हम हमारे ऊपर कल कोई PTI का कोई कारकुन जो है वो इसी बात से इंस्टिगेट होके कोई हरकत करेगा ये क्या चाहता है। इमरान खान बुनियादी तौर पर लड़ाई चाहता है। पीपल्स पार्टी का बंदा होकर मुतालबा कर रहा हूं इस मामले को फुली इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर कोई कसूरवार है जो भी है मैं हूं बुखारी साहब है कोई बंदा कोई इदारा है उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये झूठ है और अगर इमरान खान अपने सबूत नहीं देता है तो फिर यही सबूत इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि जब चाहो आप लोगों की इज्जतें उछालो। अगुणे सदर आसिफ जरदारी मथा कतल की साजिश इल्ज़ाम लगाने से पीपल्स पार्टी इमरान खान के कानूनी नोटिस मोकलन जो ऐलान कर छो। बयान वापस न वठन की सूरत में कानूनी कार्रवाई जो भी चेताव। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नैयर बुखारी फरतला बाबर ए कमर जमान कायरा चयो त इमरान खान पंजी खत्म थीदर सियासत बचाने लाय कूड़ा इल्ज़ाम हणी मुल्क में विढ़ान चाहे तो। इमरान खान वट सबूत आन त पेश करे बी सूरत में के सख्त सजा मिलन घुर्जे। अब इमरान खान साहब खुद कहता था कि मेरी नशिस्त पे है बंदूक की नशिस्त पे है जरदारी साहब इसका जहन काम नहीं कर रहा है। मैं यही कह सकता हूँ ये कैसा बॉर्डर एरिया है घोटी जिलो थो कश्मीर जिलो थो शिकारपुर में के हद ताई आए बदमनी। मेरी अभी भी SP साहब के साथ डिटेल में बात हुई है और हम पुलिस को ज्यादा इक्विप कर रहे हैं ताकि डाकू के पास पता नहीं कहां से ये असला आ जाते। इधर तो नहीं बनता है ना ये असला आपके कच्चे के इलाके में नहीं बनता है सुबह सिंध में नहीं बनता है ये कहीं से होके आ रहा है इधर तक पहुंचता है। तो हम पुलिस को भी कोशिश करें कि वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त इमरान खान जो ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना है। PTI चेयरमैन चवंदो हो त आसिफ जरदारी संदस बंदूक के निशाने ते आहे हाणे वरी मोहसिन नकवी जे कढ लॻल आहे। इमरान खान के इक़्तदार में आणींदड़ भी संदस असलियत सुञाणे चुका आहिनि। उबावड़े में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त घोटकी कश्मीर सखर ऐं शिकारपुर ज़िलनि में बदमनी आहे धाड़ेलनि खे जदीद हथियार केर थो पहुचाए हुन जी जाच कई वेंदी।
अगूणे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से अदलिया समेत समूर इदारन के गजी वेहन की सलाह दई छी। संदस चवण है तो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेवार अस सब आयू, महशियत अवाम लाय अदलिया समेत समूर इदारन के गजी वेहणो पव। अगूणे मौजूदा हुकूमत अली वजीर के ऐवान में आने लाय को कदम न खो, एक बे इल्जाम लगाने से मसला हल न, सब पी पार्टी बाबत ही सोचिंदा तो मुल्की हालतू तब्दील न थन्द। रावलपिंडी की अदालत लाल हवेली के इम्कानी तौर सील करने खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त रद्द कर छी। अदालत महफूज कल फैसलो बुधाईदे कानून वफाकी तोड़े सूबाई इदार की कार्रवाई में मदाखलत की इजाजत न तो दे। शेख रशीद लाल हवेली के सील करण बाबत एवेक्यूटर्स की नोटिस के चैलेंज कदे स्टे आर्ट की इस्तदा कई हुई। मुल्क में डॉलर का पोए सोन की कीमत पे आसमान से गालू कर लगी। मुल्की तारीख में पेरों भेरों सोन जो फी तोलो 2,09,000 रुपये जो थी वो। सोन की अघ में अज बे डी भी 6,500 रुपये जो इजाफो रिकॉर्ड किया वो। गुजरे डी भी सोन की अघ में 5,500 वाद थी हुई। आलमी मार्केट में बे डी भी सोन की अघ में घट आई। ओगरा पेट्रोल ए डीजल के अगन में वाद वारन अफवाहों की सख्ती से तरदीद कर छी। ओगरा के तर्जुमान बयान जारी कदे पेट्रोल ए डीजल के अगन में वाद बाबत अफवाह गलत आन, अवामी मफाद में अड़े किस्म जहा अफवाह पखेड़न का पासो कर वे। सिंध में एसएसपी जो मुकररियों बदलियों, इरफान समो एसएसपी कश्मोर कंदकोट मुकरर। कश्मोर के एसएसपी जुबेर नजीर के एसएसपी ओभर मुकर कर वो। एसएसपी ओभर अब्दुल रहीम शिराजी बदली केस एसएसपी एवीसीसी सीआईए मुकर कर वो। बदलिन मुकरन की नोटिफिकेशन भी जारी। चंडोमरी भरसा बहादुर मोरी वाले इलाके में पुरसरार आबघात जहा वाक रुक न सकया। भील बिरादरी के बिन नारिन एक नौजवान पारा आबघात करण बाद वधीक एक गोठाने पारा आबघात की कोशिश। अठ बालन की माओ सीता भील पारा मुबैना आबघात करण बाद गुजल रात संदस मुड़स खजू भील बिफाहो खाण की कोशिश कई। पाड़े वालन खेस बचाए वरतो। पुलिस आगे इलाके में लगातार थींदड़ आबघात के पुरसरार वाक्य की तह ताई पहुंची न सकी। मामलो अजा ताई गुजारत बनल। सिंध में बेरोजगारी सबब मानू आबघात पया कन। आपसी सरपंच नवाजी में पूरा आन। गरीब के बार अढंगो रवियो अख्तियार कयो पे वे मानू की जिंदगी से न खेड़ो। सिंध हाईकोर्ट के मुख्तलिफ खातन में भर्ती कल 1500 कॉन्ट्रेक्टी मुलाजमन के पक्को न करण वाली केस में रिमार्क्स। जस्टिस इकबाल कलड़ो सिंध हुकूमत के कावट जो इजहार कर मुलाजमन जहा मसला हल न कया वह तो अदालत आर्डर जारी कंदी, कोई सभी लाइ मसलो पैदा थी वो। शहदादकोट के एसेक्शन थाने कतल केस में गिरफ्तार टे जवाबदार फरार। कतल केस में गिरफ्तार टे जवाबदार लाकअप टोड़े फरार थिया या केन लाकअप में भजायो वो। पुलिस जो मौकिफ दियण का इनकार। पुलिस जवाबदारन के गिरफ्तार करण बदरा मामले के लिकायण लगी। थाने के लगल खाट बे सीमेंट हणी बंद कर वो। वारावासी नींगर ट्रैक्टर ड्राइवर समेत मुबैना तौर अगवा। नींगर के वारसन ट्रैक्टर ड्राइवर से नींगर के अगवा जो इल्जाम लगाए छो। 16 वरन के दरबान तुनियो के वारसन जो चवण है तो नींगर के अगवा में ट्रैक्टर ड्राइवर मुलविस है। ड्राइवर पान के भी नींगर से गड अगवा जानाए भुंग तलब कर रो है। मलीर के इलाके गगर फाटक वेझो पानी के लाइन में बुड़ी वेल नींगरी जो लाश हथ। 5 डी की गोलाबाद 13 वरन की अलीना जोखे जो लाश हथ कर वो।
भारतीय फिजाई अजाब जहाज पान में टकराए जी तबाह थी व्या। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरहदी इलाके वट मोरिना जिले में जंगी मशकन दौरान भारतीय एयरफोर्स के जहाज एक बे से टकराए जी तबाह थे। भारतीय मीडिया मूजिब तबाह थे जहाजन में सकुई 30 और मिराज शामिल आहन। वाकई में एक पायलट अजल जो शिकार है, बो जख्मी थी पो। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में तूफानी बरसात तबाही मचाई छी। मुख्तलिफ वाकन में 3 जना फौत, 24 कलाक दौरान 249 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। परदेही मीडिया मूजिब ऑकलैंड में तूफानी बरसात सब बोर जड़ी सूरत हाल पैदा की वही है। एयरपोर्ट पे पानी हेठ अचन सब उड़ामू मुअत्तल। मौसमियात खाते पारा बरसात की कती